पूरे देश में आयोजित हो रहा है एक अमृत महोत्सव आयोजन समिति के द्वारा पूरे देश में, जो देश को आज़ादी मिली है, देश का जो 75वीं वर्षगांठ है देश आज़ादी की, हम पूरा देश मना रहा है, देश को जो आज़ादी मिली है और देश में जो ऐसे गुमनाम क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने, कुछ क्रांतिकारी तो जिनका नाम सामने आ गया लेकिन कुछ ऐसे स्थान स्थान में जो क्रांतियाँ हुई अपने उन्नाव में, जैसे शहीद गुलाब चंद्र लोधी जी रहे, चंद्रशेखर आज़ाद जी रहे, महाराजा बिजली पासी जी रहे, कई कवि रहे, सनेही जी रहे और राजा राम राव बख्श सिंह जी रहे, तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के स्मरण में, ऐसे लोगों की इतिहास को बाहर लाने के लिए अमृत महोत्सव आयोजन समिति द्वारा ये अमृत महोत्सव का उद्घाटन जो होना था, आज अमृत महोत्सव समिति के शुक्लागंज का उद्घाटन हुआ है आज के कार्यक्रमों का, तिरंगा यात्रा के द्वारा। इसके बाद लक्ष्य लिया गया है कि शुक्लागंज की जो 25 बस्तियां हैं, प्रत्येक बस्ती में प्रभात फेरी निकाल करके प्रत्येक बस्ती में भारत माता पूजन के कार्यक्रमों का आयोजन होगा और बस्ती के साथ साथ पूरे जिले की 1900 सभी ग्राम पंचायतों में भारत माता का पूजन होगा। गांव-गांव गली-गली प्रभात फेरी निकाली जाएगी, भारत माता का पूजन होगा, श्रेणी सह गोष्ठियाँ की जाएंगी, अधिवक्ताओं की, चिकित्सकों की, पूर्व सैनिकों की ऐसी गोष्ठियाँ की जाएंगी और इतिहास को, जो इतिहास है, जो राष्ट्रवाद इतिहास है, ऐसे इतिहास को जन जन तक ले जाएंगे तिरंगा यात्राओं के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से। और इसका 16 दिसंबर को ही समापन होगा उन्नाव के रामलीला मैदान में, समय 11 बजे, और उसमें हमारे देश के बड़े ही वरिष्ठ और राष्ट्रवादी वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी आएंगे, उसमें शहीदों का सम्मान किया जाएगा, उनके परिवारों का सम्मान किया जाएगा और उसके बाद 1,00,000 संख्या का हम लोग वंदे मातरम के गायन का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। ये कार्यक्रम